लैंग्वेज डिवेलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स प्री स्कूल किंडर गार्टन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे प्री स्कूल लैंग्वेज डिवेलपमेंट और किन्डर गार्टन लेवल पर अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन में लैंग्वेज कैसे डिवेल्प होती है इस पर बात करनी है सो प्री स्कूल लैंग्वेज डिवेलपमेंट एट द स्कूल प्री स्कूल लेवल लैंग्वेज डेवलपमेंट इज करेक्टराइज बाय द एमरजेंस ऑफ यानी इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वकूफ पजीर हो रहे होते हैं मर्ज हो रहे होते हैं क्या बेसिक ग्रामर एंड सिंटैक्स एंड सिंटैक्स यानी ग्राम ग्रामेटिकल सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंक्रीज वैकेबलरी और जो बढ़ती हुई वैकेबलरी जो इस दौर में इस पीरियड में बच्चों की वैकेबलरी में रोज़ाना तकरीबन पाँच अल्फाज का इजाफ़ा होता है और उनकी ये जो दुरानिया है उनका ये वकेबलरी बढ़ने का एक बहुत बड़ा दौर होता है एंड द डेवलपमेंट ऑफ़ कन्वर्सेशनल स्किल्स और बातचीत करने के स्किल्स यानी इस दौर के ये सारे करैक्टिस हैं इस दौरान में ये लैंग्वेज मर्ज हो रही होती है प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंट में चिल्ड्रन एट दिस एज आर एबल टू एक्सप्रेस दैम मोर इफेक्टिवली तो इस दौर में वो अपने बेहतर अंदाज से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और मेक बेसिक्स रिक्वेस्ट एंड फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैनर्स का इजहार कर सकते हैं और सिंपल इंस्ट्रक्शंस का इजहार कर सकते हैं दे आल्सो बिगेन टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर सोशल इंटरेक्शन और वह सोशल इंटरेक्शन के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग टर्न टेकिंग जैसे गुफ्तु के लिए बारी लेना आ, अगले जो नेक्स्ट स्पीकर होता है उसको अपनी बात ख़त्म करने का इंतज़ार करना और अपनी बारी पर बात करना एंड पुलट लैंग्वेज और लैंग्वज भी पुलाइट लैंग्वेज बोलना जनाब मिस्टर वगैरह प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंट में टीचर्स uh, भी हम किरदार अदा कर सकते हैं और वो टीचर्स कैन सपोर्ट प्री स्कूल स्कूलर्स लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय वो कौन सी स्ट्रेटजीज टीचर्स यूज़ करके उनकी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं आइए हम उनको देखते हैं सो प्रोवाइडिंग अ रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट कि बच्चों को एक रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाए यानी उनको स्पोकन की एक्टिविटीज़ फ्राहम की जाए आप ये देखें कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों में जो लैंग्वेज है वो स्पोकन नहीं आती और वो इसलिए नहीं आती कि बच्चों को स्पोकन की प्रैक्टिस ही नहीं कराई जाती इसके मुकाबले में जो पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उनकी बच्चों में ज़्यादा सरगर्मियाँ यानी स्पोकन की प्रैक्टिस और वो कराते हैं सो मॉडलिंग गुड लैंग्वेज यूज़ तो मॉडलिंग जो टीचर्स हैं या कैसेट्स हैं या इस तरह की मॉडलिंग करके उनको अच्छे अंदाज से लैंग्वेज सिखाना और एड

विद एन एफ ऑन डिवेल्पिंग अर्ली लिटरेसी स्किल्स तो अर्ली लिटरेसी स्किल्स की को डिवेल्प करते हुए इस बात पर रिसर्च हो चुकी हैं कि जिन बच्चों की लिटरेसी स्किल्स प्री स्कूल से पहले उन्होंने सीखे होते हैं उनकी क्लास वन में uh, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है सो विद इन एन एम्फेसिज ऑन डिवेल्पिंग अर्ली लिटरेसी स्किल्स तो इस अर्ली लिटरेसी स्किल्स की डिवेल्पमेंट पर जोर दिया जाता है सच एज़ फोनीमिक अवेयरनेस यानी साउंड्स की अदायगी की प्रैक्टिस और फोनिक एंड कॉम्प्रीहशन और अल्फाज मानी और उनकी अंडरस्टैंडिंग और चिल्ड्रन एट दिस एज आर एबल टू एक्सप्रेस मोर फुली वो मज़ीद अच्छे अंदाज से अपने आप को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो ग्रामर के लिहाज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं किंडरगार्टन गार्डन में मज़ीद कुछ और सरगर्मियाँ से हम उनको डेवलप कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज बिगेन टू रीड एंड राइट सिंपल टेक्स्ट बच्चे छोटे छोटे चंद जुमलों के वो छोट छोटे छोटे मजामी या कुछ इस तरह की चीज़ें वो लिख कर अपनी लैंग्वेज डेवलप कर सके और टीचर्स कैन सपोर्ट देयर डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो टीचर्स उनकी लैंग्वेज डेवलप डिवाल्ग कर सकते हैं उनको ये मौाक़ फ़राहम करके लैंग्वेज रिच एक्टिविटीज मसल उनको एक्टिविटीज कराई जाए स्पोकन की भी राइटिंग की भी फिर उनको फीडबैक दिया जाए ठीक है और फिर उनमें शेयर्ड रीडिंग राइटिंग एंड गुड गेम्स तो ये इस तरह की एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए हम उनकी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं किंडर गार्टन लेवल पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इस लेवल पे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इस लेवल पे लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ करैक्टराइज बाय द एक्विजिशन ऑफ मोर एडवांस लैंग्वेज स्किल्स तो इस लेवल पे बच्चे ज़्यादा एडवास लेवल के स्किल्स हासिल करते हैं जैसे स्टोरी टेलिंग परसुएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तो स्टोरी टेलिंग है परसुएट करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग uh, के uh, जो स्किल्स हैं और चिल्ड्रन आर एबल टू यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट आइडियाज़ तो बच्चे अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए भी लैंग्वेज uh, का इस्तेमाल करते हैं एंड थाट्स इन रेंज ऑफ कॉन्टेक्ट और मुख्तलफ बैकग्राउंड uh, की रेंज में कई तरह के बैक कॉन्टेक्ट में वो अपने आइडियाज़ का इजहार करें और सोशल एक्डेमिक्ड इमोशनल तो इन इन लिहाज से यानी सोशल लिहाज से एक्डेमिक लिहाज से और इमोशनल लिहाज से भी वो अपने आइडियाज़ का इजहार करें सो टीचर कैन सपोर्ट ई सी स्टूडेंट्स लैंग्वेज डिवेलपमेंट बाई प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ लैंग्वेज रिच एक्टिविटीज़ तो ये सम अप कर रहा हूँ कि उनको रेंज मैनी एक बहुत एक वरायटी के अंदाज में यानी बहुत सी वरायटी के साथ उनको रिच एक्टिविटीज़ फ्राहम करें लैंग्वेज सिखाने के लिए जैसे ड्रामा है डिबेट है और इनकवायरी बेस्ड लर्निंग है तो ये थी लैंग्वेज डिवलपमेंट इन डिफरेंट लेवल्स प्री स्कूल किन्डर एंड अर्ली चाइल्ड हुड लेवल पर किस तरह बच्चों की लैंग्वेज को डेवलप किया जा सकता है इन लेवल्स पर